बस कुछ ही दिनों में दुनिया का सबसे बड़ा राज खुलने वाला है। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर ब्रिटिश सरकार के कई राज जल्द ही दुनिया के सामने आ सकते हैं। भारत के अंतिम वायसराय माउंटबेटन और उनकी पत्नी एडवीना की पर्सनल डायरी सार्वजनिक हो सकती है। बंटवारे और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लेकर भी कई राज खुल सकते हैं। ये राज अगर दुनिया के सामने आ गए तो खलबली मच जाएगी। इस डायरी में जवाहरलाल नेहरू और एडवीना माउंटबेटन को लेकर भी कई गहरे राज छिपे हो सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे माउंटबेटन और उनकी पत्नी की उस सीक्रेट डायरी के बारे में जिसके राज बस कुछ ही दिनों में खुल सकते हैं। आपको ये भी बता दें, अगर ये राज खुल गए तो इतिहास बदल सकता है। दरअसल ब्रिटेन की एक अदालत में इस हफ्ते भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन और लेडी एडवीना माउंटबेटन की व्यक्तिगत डायरी और कुछ पत्रों को सार्वजनिक किए जाने के संबंध में फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि 1947 में भारत का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन की देखरेख में ही हुआ था। माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसराय थे। ब्रिटेन लॉर्ड माउंटबेटन और लेडी एडवीना माउंटबेटन की डायरी और पत्रों को छिपाने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहा है। अब सवाल है कि आखिर क्यों, ऐसा क्या है इस डायरी में? दरअसल साल 2011 में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन ने ब्रॉडलैंड्स नाम के ये दस्तावेज माउंटबेटन परिवार से खरीदे थे। इसके पीछे मंशा इन दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की थी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इनमें से कुछ पत्रों को कैबिनेट ऑफिस भेज दिया और उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। पिछले 4 सालों से इतिहासकार और लेखक एंड्रयू लोनी लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी पत्नी की व्यक्तिगत डायरी और पत्र सार्वजनिक करने का मुकदमा लड़ रहे हैं। 2019 में इन बचे हुए कागजों को भी सार्वजनिक करने के लिए इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ऑफिस ने ऑर्डर दिए थे, लेकिन तब यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन ने जवाब में कहा कि वे कागज निजता के आधार के तहत आते हैं। तब से इन बचे हुए कागजों को सार्वजनिक करने का केस कोर्ट में लटका हुआ है। ये दस्तावेज भारत के विभाजन के वक्त के हैं। इनमें वो पत्र भी हैं जो लेडी एडवीना माउंटबेटन ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लिखे थे। इन बचे हुए दस्तावेजों को लेकर फैसला अभी तक लंबित था, जिस पर इस हफ्ते सुनवाई होनी है। आपको याद दिला दें कि लॉर्ड माउंटबेटन और लेडी एडवीना माउंटबेटन की शादीशुदा जिंदगी की अड़चने किसी से छिपी नहीं थी। दोनों ही अक्सर अपने दिल की बात खुलकर अपनी डायरी में बयां करते थे। जाहिर सी बात है कि अपनी जिंदगी की एक एक बारी की डायरी में लिखने वाले माउंटबेटन ने नेहरू, गांधी, जिन्ना और बंटवारे की असली कहानी अपनी डायरी में लिखी ही होगी। हालांकि ब्रिटेन के कैबिनेट कार्यालय ने कहा है कि उन कागजात की ज्यादातर जानकारी पहले से ही सार्वजनिक है तथा भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में किसी भी गोपनीय पहलू का खुलासा अन्य देशों के साथ ब्रिटेन के संबंधों को प्रभावित कर सकता है। बहरहाल अगर ये दस्तावेज सार्वजनिक होते हैं तो कई बड़े खुलासे तहलका मचा देंगे।